मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तैयारियों की समीक्षा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित हो कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न हो और मतदाता किसी के दबाव प्रभाव से प्रेरित नहीं होते हुए निर्भीकता एवं निष्पक्षता के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तथा सामाजिक भलाई के लिए सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिकारी हर गांव में जाकर मतदाताओं से संवाद स्थापित करें तथा मतदान के प्रति उन्हें जागरूक करें। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि प्रजातंत्र में वोट का काफी महत्व है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का मत लोकतांत्रिक प्रणाली का प्राण है। प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें क्योंकि उनके मतदान से भारत का भविष्य सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम बार मतदाता बने 5 मतदाताओं को वोटर कार्ड भी वितरित किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DM के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने भी लोगों से मतदान करने की अपील की। बैठक में IG जयंत सिंह, जिलाधिकारी देवरिया अमित किशोर, महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय, कुशीनगर अनिल कुमार सिंह के अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडियन ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के बाद किया गया। इस मंचा से माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी देवरिया के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्प तरीका के द्वारा उद्बोधन के द्वारा मंचासी अधिकारियों अधिकारीगण एवं सम्मानित उपाध्यक्ष लेने के लिए हमारे बीच में मतदाता हेतु व्यापक जागरूकता की जा रही है और इसे हमारे जो भी जोर देना है कि बिना भय के संबंधित अधिकारीगण के मार्गदर्शन की आकांक्षी है। धन्यवाद। मोहम्मद शफी, हरशाम खान, सनाव मेहताब आलम प्लान करके ऑर्गेनाइज कराया गया है। वैसे रैंडम भी नहीं है। एक साल में तकरीबन 1000 लोग बैठे हैं। ये सभी व्यक्ति एक एक संगठन का, एक एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव के रूप से आए हैं सर। इसमें कोई स्कॉट से है, कोई NCC से, कोई आर्मी से है, कोई नेवी से है, कोई एयरफोर्स से है, कोई आंगनबाड़ी से है, प्रधान का प्रतिनिधि है, किसी भी ग्रुप का संगठन का हम लोग जुड़ा नहीं है। ताकि ये जो आपका माध्यम से जो संदेश है, हम लोग के पास अभी भी 1 महीने वक्त है और हम लोग के पास अच्छा खासा समय भी है, ताकि वैसे जो सीनियर सिटीजन के रूप से
हमारा पहले के वक्त हमने बताया गोरखपुर मुश्किल से हम लोग कभी भी फर्स्ट क्लास में पास नहीं हुए। वोटर परसेंटेज 2014-2017 जो भी उपचुनाव लेके हुए देखेंगे सर एवरेज हम लोग का 57% ही रहा किसी न किसी वजह उसको पूरा हम लोग एनालिस करके देखा था सर। इलाहाबाद के बाद सबसे ज्यादा वोटर गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में करीब 35 लाख वोटर है हमारे पास सर। उस पर 19 लाख मेल वोटर है करीबन 15.5 लाख फीमेल वोटर है। खासतौर पर इसमें से पैटर्न देखेंगे अर्बन एरिया में जो खासतौर पर शहरी इलाके में जो वोटर परसेंटेज खराब रहा उसका एवरेज 35% से लेकर 45% के बीच में ही रहा। ग्रामीण इलाके में वोटर परसेंटेज बहुत अच्छा रहा और कुछ कैटेगरी का वोटर परसेंटेज ना के बराबर रहा। खासतौर पर जो दिव्यांगजन का वोटर परसेंटेज है यहाँ हम लोग अब तक 23,000 जो दिव्यांगजन का बूथ वाइज हम लोग मैपिंग किए सर बट हम लोग का अंदाजा अभी भी 20-25,000 लोग छुटे हुए होंगे उन लोगों का अभी अभियान चला के हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि तकरीबन 50,000 से लेके 70,000 का हमारा दिव्यांग साथी होंगे उन लोगों का हम बूथ वाइज व्यवस्था करा रहे हैं सर। पहले बार गोरखपुर में 3,870 हमारा बूथ है हर बूथ में ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की जा रही है पहले बार सर। इसमें केवल दिव्यांगजन के नहीं जो बुजुर्गजन है जो भी जो पैदल चलने में असमर्थ व्यक्ति है उन्हीं को भी वो व्हील चेयर काम में आएगा। दो दो वॉलंटियर हर बूथ में रहेंगे सर और 3 से ज्यादा बूथ वाले सेंटर में हम लोग अनिवार्य रूप से मॉडल बूथ के रूप से हम ले रहे हैं ताकि उस पर छाया और शामियाना की व्यवस्था करा रहे हैं ताकि 19 में भीषण गर्मी का मौसम है हम प्रयास कर रहे हैं ताकि जो हम लोग को वोट देने वाले जो वोटर से कोई तकलीफ ना हो इसलिए वहाँ पेयजल की व्यवस्था और बाकी जो रैंप से लेके जो AMF का जो कितने फैसिलिटीज है सर सब हम सैनिटाइज करा चुके हैं। उसके अलावा जो हर बूथ के बाहर से हम लोग पूरा वोटर लिस्ट का चस्पा कर रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति मन में जिज्ञासा है उनका नाम है क्या नहीं 24 घंटे दिन से रात तक कभी भी जा करके वो चेक करके अपना नाम देख सकते हैं सर। अभी भी नामिनेशन के पहले तक वोट बढ़ाने के लिए हम लोगों के पास वक्त है अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर कोई चूका ना पाए। उसके अलावा सर यहाँ पे बहुत सारे जो सिविलियन एजेंसीज है वैसे रेलवे का बड़ा महकमा है यहाँ एयरफोर्स का है SSP बटालियन का है और बाकी सर्विस वोटर्स बहुत है सर यहाँ उन लोगों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने के लिए और सर्विस वोटर माध्यम से जो वोट देने के लिए जो कितने बार ट्रेनिंग होना है हम तकरीबन 2-3 बार ट्रेनिंग करा चुके हैं सर उसके रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है। उसके अलावा सर हमारा जो बड़ा जनपद के नाते से करीब 20,000 जो हमारा कर्मचारी डायरेक्टली चुनाव में इन्वॉल्व हो रहेंगे उसके अलावा इनडायरेक्टली जो ड्राइवर के रूप से क्लीनर के रूप से और 50,000 लोग अनुमानित कर रहे हैं सर जो सिपाही से लेके कितने लोग हैं करीब यही संख्या हमारा मोटा मोटा 1 लाख का हो जाएगा। उन लोगों की प्रेजेंटेशन सेंटर की व्यवस्था करा रहे हैं सर उन लोगों को भी फॉर्म 12 करके हम लोग तैयार कर लिए। जो मोटा इलेक्शन कमीशन के इस बार सर एक वोटर छूटना नहीं चाहिए उसी पे हम लोग बिल्कुल लेटर एस्पेक्ट लेके एक काम कर रहे हैं सर। अभी आपने उसमें निर्देश दिए अभी भी हम लोगों के पास समय है इसको और हम लोग पहले से रहेंगे। अभी 3,870 बूथ में हमारा 1,100 बूथ में हमेशा वोटर परसेंटेज खराब रहा किसी न किसी वजह उसी का हम लोग आइडेंटिफाई करनी है सर किसी की वजह उसी के वजह हम लोग सही करा के इस बार जरूर अच्छा रिजल्ट देंगे सर। आपका निश्चिंत रहें सर गोरखपुर इस बार फर्स्ट क्लास में पास होंगे और बहुत बेहतर से बेहतर इस मतदान के पर्व को देशभक्ति से जोड़ना चाहिए क्योंकि 19 मई की गर्मी में वही आदमी निकलेगा जो देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखता है। और सर मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं सर जम्मू कश्मीर काडर का अफसर और 10 साल मैंने वहां पर काम किया है। यहाँ से पहले मैं बारामूला में पोस्टेड था श्रीनगर में पोस्टेड रहा हूँ और काफी मुश्किल भरे जगहों में देखा है हमने और वहाँ काम करने के दौरान हमें लगता है कि जो देश की मुख्य धारा में ये व्यक्ति बैठे हुए हैं आखिर ये वोट क्यों नहीं देते ये वहाँ पर भी महसूस होता है वहाँ के जवानों को महसूस होता है चाहे वो ATGP है चाहे आर्मी है चाहे BSF है चाहे CRPF है चाहे पुलिस है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति अगर जाए और अपने इलाके के बोले कि ये मतदान जो है ये एक देश सेवा का अभी पुलवामा अटैक हुआ बहुत सारा व्हाट्सएप पर चर्चा हुआ बहुत सारे हमने मोमबत्तियां जलाई बहुत सारे प्रदर्शन किए आखिर ये 19 मई को ये प्रदर्शन क्यों नहीं होगा 19 मई को आप उंगली पर निशान क्यों नहीं बजाएंगे। मेरा मानना है अगर आप इस भावना को जगा पाए कि अगर आपने देश के लिए कुछ करना है तो उंगली पर ये निशान लेना है।
तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद आप सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संगठन में विभिन्न संगठनों से लोग आए हुए हैं। हमारे फोर्सेस में सर बहुत लोग पीछे हटते हैं कि कौन पोस्टल बैलेट डाले, कौन अपना प्रॉब्लम करे कि यहाँ से वोट कटाओ फिर वहाँ वोट डालो फिर वहाँ से वोट कटाओ यहाँ वोट डालो। मैं अपने सर्विस में रहने वाले जवानों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरे बीच में जो 75 साल के भूतपूर्व वायु सैनिक बैठे उन्होंने कितने अच्छे से हमें प्रेरणा दी और साथ में हमारे पास जो दिव्यांगजन है उन्होंने कितना अच्छे से आगे बढ़ करके और वो देशभक्ति के लिए आगे आगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस मतदान के महान त्यौहार को 15 अगस्त 26 जनवरी इस तरह का त्यौहार बनाए और देशभक्ति के साथ लोगों को प्रोत्साहित करें कि अगर देश के लिए कुछ करना है तो पहले वोट दे दीजिए। यही बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। जो मतदाता है उनको
साथ बहुत व्यापक अभियान चलाया है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड एथिकल पार्टिसिपेशन। मतदान अवश्य करें, नैतिक आधार पर मतदान, नैतिक मीन्स शराब पैसा और दबाव प्रभाव इनसे प्रेरित न होके आदमी निर्भीकता के साथ अपनी समझ के अनुसार अच्छाई को देखते हुए जो संविधान के मूल्य है न्याय समानता और बंधुत्व को बढ़ाने वाले ऐसे कौन प्रत्याशी है जो संविधान के मूल्यों को बढ़ोतरी में मूल्यों की रक्षा और समर्थन में काम करेगा, ऐसे सेवाभावी ईमानदार इंसाफ पसंद अच्छे इंसान को पहचाने और उसको छुए। सिंपल बात है, ये 70 साल के बाद हम लोग समझा क्यों नहीं पा रहे, हम सबको बड़ी गहराई से इसको समझने की जरूरत है। इसका कारण ये है, अभी मैं कमीशन से बातें लोगों से भी कह रहा था, जिसको भी थोड़ा काम करे करेगा, करने में जोर कम है दिखा नहीं मिला जोर, हर एक व्यक्ति को कुछ भी करेगा जैसे घरों में भी हम लोग देखते हैं ना, कुछ बच्चे जब माँ बाप आता है जोर जोर पढ़ते रहते हैं किताब में, जब माँ बाप दिखाई देते तभी पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जब माँ बाप बदलते जाए तो फिर वो किताब छोड़ देगा और दूसरा काम कर। अब वो रिजल्ट आता है बड़ी इंजुरी होकर 8 दिन रिजल्ट आता, और जिसको आप इमेजिन करो मेडिकल एंट्रेंस में एग्जाम देना हो, आईआईटी में सेलेक्ट होना हो, वो कैसे पढ़ता, वो किसी को दिखाई दे रहा है क्या? वो माँ बाप को भी फिक्र नहीं करेगा कि ये हमारा मूल्यांकन कर रहा है नहीं कर रहा है। जिसको ये नशा चढ़ा है कि इसकी स्वयं की कमिटमेंट है कि इस बार एग्जाम को क्रैक करना है, इसको सफल होना है, वो दिन रात करेगा, अखबार में नहीं छपाता है कि मैं बड़े ध्यान से पढ़ रहा हूँ, वो टीवी वालों को बोला कि इंटरव्यू नहीं देगा कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट आएगा अपने आप दिखाई देता है। ये हमारे सारे कलाकार लोग मंच पर बैठे और नीचे बैठे हैं, ये 6 महीने से काम करते हैं, जल्द क्यों नहीं, जल्द क्यों नहीं है, 7% तो ऊपर ही नहीं जा रहा, ये भाई आदमी के रिश्ता काम है, पब्लिसिटी में रिश्ता है, आइए कि क्रैक करने वाला बहुत पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यू देने जाना जाएगा, सब सुना मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे पास क्या किताब और दिखा लो, कभी पास हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, तो उसका ध्यान कहीं और है। लोग बोलते हैं ना कि कई निगाहें कई निशान, निगाह कई हो गए निशान की तो रहा, ये समस्या बड़ी नहीं है लेकिन ये समाधान के लिए प्रयास की नहीं, प्रयास की नहीं है ये तभी साहब से पूछा गया था कि ये समस्या का समाधान होता क्यों नहीं। कबीर साहब बड़े सिंपल बात में बताया कि जीव खोजिया जीव पाया कहने पानी पाए मई मथुरा पुरंदरा कहा किनारे भाई। कबीर साहब ने कहा कि समाधान कहरा ही में है, मैं तो नाला है घूमे तो उतरना नहीं चाहता, समाधान तो कहरा ही में, मैं क्या बैठे 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 अपनी सुविधाजनक ढंग से अपनी सहूलियत से काम कर ले, संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष भी समाज की भलाई के लिए, ये संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए। यहां पे राजनीतिक रूप से काफी लोग मेहनत भी करते हैं, जीतने के लिए तो सभी लोग संघर्ष करते हैं। हमारे देश में स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए मेहनत करना तो लोग सीख गए हैं, देश के लिए समाज के लिए काम करने के लिए बिना दिखावा के गहराई से काम करने के लिए जितनी जुनून चाहिए ऐसी जुनून वाले लोग कम हो गए। अपने दिल में, अपने दिल में उतर के देखिए कितना करना है कितना कर रहे हैं और क्या करें और कैसे करें। इस बार इसकी तकदीर बदल गई, अब 60% से इस बार आप करके दिखाएंगे, तो इसमें सभी लोगों ने जो वादा किया 70%
प्रदर्शन कर रहे हैं। आप 70 भी करके दिखाए, यहाँ पे गोरखपुर मंडल में 70 से नीचे नहीं आना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हरेक गांव में हरेक मोहल्ले में आपका इतना चुनाव पाठशाला बना रखा है, इतना इतनी चुनाव पाठशाला है, इतनी लिटरेसी क्लब, इतनी बूथ अवेयरनेस ग्रुप, वोट अवेयरनेस फोरम, इतना गठित कर रखा है खागलों में। खागलों में तो बहुत बने हैं, इन्हीं में जाम कितना है, प्राण कितना है, इनके अंदर दम क्या है, लेकिन बीमारियों की संख्या भी बड़ा बढ़ता जा रहा। कारण क्या है? फिकर लोगों को स्वस्थ बनाने में नहीं है, लोगों को फिकर है बड़ा आदमी बनने में, पैसा वाला बनना है, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट, हरेक को फोकस में आना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, उद्देश्य की फिकर नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हम लोग बढ़ते हैं कि हमारी बड़ी उत्कृष्ट संस्कृति का देश है और ईश्वर पर श्रद्धा करने वाला देश है, लेकिन ये आज भी सोचता है कि ईश्वर भगवान मैंने एक मूर्ति रख लिया, पूजा पत्ती फूल पत्ती चढ़ाया, अरे गणपति जी आपका तुंड बहुत लंबा है, पेड़ भी अच्छा है, आप बड़े लोगों को ये करते हो, बढ़िया बुद्धि ध्यान दे, ऐसे बोला तो सोचे भाई गणेश जी संतुष्ट हो। हनुमान जी आ गए, आपकी कूद भी बड़ा लंबा है, आप कूद के तो पूरा लंका पहुंच गए, राक्षसों को भी मार दिया है, अब सोचे भाई हनुमान जी प्रसन्न हो गया, काम हो गया, फिर गाय घोड़ा पास में लग गया, अब सोचे भगवान प्रसन्न हो गया। अब ये इमेजिन करिए, अब ऐसे बोले तो भगवान क्यों प्रसन्न होगा आपकी बातों से, यदि आपको पूर्ण पति दे देंगे तो क्यों भगवान प्रसन्न होगा। सारे महापुरुषों ने कहा है इससे भगवान प्रसन्न तो नहीं हो सकता है, भगवान कैसे प्रसन्न होगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, महापुरुषों ने कहा है राम केवल प्रेम प्यार जान ले दो जान रहा, यदि वास्तव में आप जानना चाहते हो भगवान को क्या पसंद है, प्रेम चाहिए, भगवान भाव से
तभी प्रसन्न होगा जब दूसरे उनके संतान जो कमजोर लोग हैं, किसी भी हिसाब से कमजोर है, उनको उनका उद्धार के लिए कार्य करता है जो भगवान की जो व्याप्त सत्ता है, वो तभी प्रसन्न हो सकता है। सारे लोगों ने भले प्रतीकात्मक रूप से आप मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, भगवान तभी प्रसन्न हो सकता है। लेकिन आजकल इतने झूठे रूप तैयार हो गए जैसे कुकुर रूपों की तरह, सारी गाड़ी बंगला सब का इंतजाम कर दूंगा। ये अपने अंधा डेलिया, ये दोनों मुख पर आए कभी सा मिला के ये अंधा दूसरा भी अंधा है, सेवा भी और गुरु भी, ये दोनों अंधे हैं और दोनों ये नरकामी है। वैसे इस प्रकृति की व्यवस्था में पूरा बात करें और मजे खाते उसकी व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं है। आदमी हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, जो व्यक्ति जितना धोखा देता है इस प्रकृति के ये सारी महापुरुषों के जीव बहुत सारे जगह पटक पटक के ये मानव जीवन मिलता, ये भगवान की कृपा से मिलता। अगर आदमी ये जीवन को कैसे बर्बाद करता, सब कपट करने में दूसरे को धोखा दे रहे और थोड़ी सहूलियत के लिए दूसरों को साथ बड़ा अन्याय। और इसका उद्देश्य लोग होते हैं साधना मोक्ष कर दो, मोक्ष कर दिलाती है, ये नाक में भी गिराती है। आदमी यदि ठीक से ठान ले ये देवताओं से आगे जाकर खड़ा हो जाएगा, गिरना शुरू कर दे जानवरों से लोग नीचे आ चुके हैं। कबीर साहब ने मानव के जीवन को देख के बोला है, ये तो पैदा हुआ मानव हो गए लेकिन ये मर रहा है। सारी अनंत का
जाति और तीन जाति न्याय कहां है? निष्पक्षता, न्याय, राय मान्यता, दोनों आपस में लड़के गए खाने में, एक जाति जीती, दूसरी जाति को मारा, ये जाति वाली इसकी रक्षा में गया, उस जाति वाला उसकी रक्षा में गया, खाने का परेशान, वो सच्चाई बात देखेगा, किसने किसके साथ जाति किया, न्याय किया, क्या बोलेगा, इनके साथ बड़ी बड़ी सिफारिश करने लगा, उसकी जाति वाले उसकी सिफारिश कर रहा है, इसकी जाति वाले इसकी सिफारिश कर रहा है, संविधान के मूल्यों का पूरी पलटाधार हो गया। अब लोग संविधान की प्रतिज्ञा का क्या होते हैं, इस पर शपथ लेते हैं, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करेंगे, भारत की प्रभुत्वता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। सभी अनेक व्यक्ति शपथ लेता था ईश्वर की और शक्ति की, शक्ति निष्ठा के साथ शपथ लेते थे, हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे, कोई जाति पाति से ऊपर उठ के केवल न्याय करना है, न्याय समानता और बंधुत्व की वादा करके संविधान आया। महात्मा गांधी से पूछा गया जब आजादी लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि इसमें खून देना है, सुभाष बोस ने कहा, माननीय सुभाष जी ने कहा कि आप खून दो मैं आजादी दूंगा, लोगों ने पूछा कि इसमें क्या मिलने वाला है, हम क्यों जेल जाए लाठी ना खाएं, अब लोग कह रहे हैं वोट डालने के लिए थोड़ा धूप में निकले, लोगों ने खून देने के लिए और लोगों को लाठियां खाने के लिए देश के खातिर मरने के लिए तैयार किया गया। महात्मा गांधी माननीय सुभाष चंद्र बोस ऐसे महापुरुष हो रहे, वो कैसे समझा, कितनी ग्रेटनेस है उनके अंदर, आप इमेजिन करिए, देश के खातिर ये पूछा रहा है इतना त्याग करने के लिए कह रहा है कि आजादी मेरे को तो मिलेगा क्या, महात्मा गांधी का ऐसी अवस्था है, आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति निर्भीकता के साथ सरलता के चल सके इस व्यवस्था में क्या करने वाले, ये सत्ता लोन उतना बहुत दुरुपयोग करने वाला नहीं, ये नेपोटिज्म फेवरेटिज्म करप्शन में डाल डूबे, इतनी व्यापक चिंतन वाले भारतीय संविधान में हमने कागज दिया, उनको आपने क्या देखा, भारतीय संविधान ने कुछ कर्तव्य भी दिया है, इस भारतीय संविधान की तो संकल्प है न्याय समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करेंगे, हर एक व्यक्ति की गरिमा डिग्निटी अवसर की समता विचार अभिव्यक्ति तमाम दुनिया भर की इसमें आदमी के अंदर फ्रीडम्स है प्रोटेक्शंस है वो सारी सुनिश्चित करने का सामाजिक धार्मिक राजनीतिक न्याय ये सारी सुनिश्चित करने के लिए संविधान बना रख गया और इसको सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निभाना पड़ता है, ये तमाम दुनिया भर का कर्तव्य है, यहां हर एक क्षेत्र में लोगों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो, मानवतावाद विकसित हो, सामाजिक समरसता बढ़ाने वाली भावना हो और हमारे महापुरुषों को जिन मूल्यों के आदर्शों के आधार पर आजादी आंदोलन में महापुरुषों ने क्या तपस्या किया है उन भावनाओं को हम लोग उन भावनाओं को उन आदर्शों को सम्मान करें उनको पहचाने और हृदय में संजोए रखें, ये सारी भारतीय नागरिक के कर्तव्य है, ऐसे कर्तव्य निभाने वाले प्रतिनिधि चाहिए। अभी संविधानिक जो संविधानिक जो उद्देश्य है और हमारे महापुरुषों की जो संकल्प है जो जो सपना है वो तभी साकार हो सकता है, ये कर्तव्य करने वाले प्रतिनिधि चाहिए, ये सवाल तो जो मेरे ओर से क्या हो वोट ही से होना है, यदि तेरे ओर से नहीं हो किसके ओर से हो, एक ही वोट है सबको पवित्र भावना के साथ इस सत्ता को पूरी तरह से केंद्रित कर रखा, सत्ता को पूरी तरह से सारी सत्ता प्रजातंत्र में वोट में नहीं है और ये मल्टी फोकल ये व्याप्त सत्ता, इस सत्ता का सदुपयोग वोट में सारे सारा अधिकार वोटर में बाकी सब सेवक, प्रजातंत्र में केवल वोटर ही मालिक है बाकी सब सेवक है, किसी भी संस्था हो कोई भी व्यक्ति हो
स्टडी ऑन योर वोटर एज अ ट्रस्टी ऑफ द वोटर्स। लेकिन ये बात वोटर समझ नहीं पा रहा है, मानव की दुर्गति का रखा है हुई और सेवा की वजह मारा। इस वोटर की दर्द पड़ के ना अपने थाने में जाए, अपने तहसील में जाए और इसकी अपनी मार्केट में जाए, अपने देश में उसको शुद्ध प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, शुद्ध न्याय भी नहीं मिलेगा और उनको जो एंटाइटलमेंट्स है इतने साल के बाद उनको नहीं दे पाएंगे, उनके सम्मान भी नहीं है। थाने में जाएगा तो मेरे साथ मारपीट किया बताने के लिए सिफारिश चाहिए, सिफारिश संस्कृति में आ रहा है इतने 70 साल के बाद न्याय ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए, एंटाइटलमेंट है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सभी लोग सिफारिश करना और सिफारिश सुनना, सभी लोगों का हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी लोगों का बीपी बढ़ रहा है, सब तो शुगर के पेशेंट्स हो रहे हैं क्योंकि कानून कुछ बोलता है सिफारिश कुछ और बोलता है, क्या तंत्र में है जो कोई और खींच रहा है। न्याय समानता और बंधुत्व की बातें करें, हमारे अधिकारी लोग कोई भी सिफारिश करेंगे बोलेंगे सब सिफारिश की हम ना गुंजाइश क्राइटेरिया होनी चाहिए। बिना क्राइटेरिया के संविधान कानून बोलता है नो बड़ी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी फैसिलिटी और नो वन कैन बी बेस्टोड अपॉन एनी फैसिलिटी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। संविधान के बनी हुई कानून कायदे के अलावा बिना कोई क्राइटेरिया के, बिना कोई मानक मापदंड के ना कोई सुविधा दिया जा सकता ना सुविधा छीना जा सकता। प्रिंसिपल से काम हो जाए, क्यों सिफारिश में बेकार में लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं? ये केवल इसलिए कारण है क्योंकि वोट डालने वाले ये वोट पैसे के लिए वोट डालने रहेगा, सिफारिश में पैसा उठता, गलत सिफारिश करेगा, गलत सिफारिश करेगा पैसा मारेगा। इसलिए सारे जो नेता पैसे से खेलते हैं, सामने कुछ दिखता है अंदर कुछ करता है, सामने बोलेगा न्याय समानता का अंदर से कुछ करेगा गलत काम, क्योंकि जब गलत काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे देगा? ईमानदारी से इंसाफ के साथ इंसानियत के साथ काम करेगा तो पैसे कहां से? और वोटर अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, नम्रता सेवा करने व्यक्ति को कौन ढूंढता? ग्राम पंचायत सदस्य लेकर माननीय लोकसभा सदस्य तक जब सेवा भाव व्यक्ति को ढूंढेंगे, सही व्यक्ति को खड़ा करके अपने सपोर्ट करेंगे तो सही व्यवस्था करेंगे। तो पैसा को पैसे से खेलने वालों को आप वोट देंगे उनको जिताओगे, अगले बार और पैसा लगाएंगे, इस बार 10 लाख में जीता, अगले बार 20 लाख में जीतेगा और अगले बार 50 लाख में जीतेगा। इंसान से मतलब नहीं है, ये केवल पब्लिक कंजम्पशन के लिए बोलेगा अच्छी बात है, सिर्फ वाटन डेमोक्रेसी बढ़ रहा, डेमोक्रेसी बढ़ रहा, इन सब को तोड़ना है। एक ही इंस्ट्रूमेंट है वो, ये वोट को शुद्ध किए बिना इस प्रजातंत्र की ग्लोरी महिमा, इसकी ब्यूटी सौंदर्य और इसका वैप्रेमिस कभी हो नहीं सकता। मूल में वोट है, इसी को ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, गांव गांव मोहल्ला मोहल्ला घूमना। यही एकमात्र रास्ता है, केवल बैठ के इधर उधर बातें करने से नहीं है। ग्राम पंचायत सदस्य एक माननीय लोकसभा सदस्य एक व्यक्ति को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के जिताना है, ये वो ही एक इंस्ट्रूमेंट है सारा बदलाव का। महापुरुषों ने बड़ी चाप तपस्या करके ये लाया है, इसकी रक्षा करना, इसे समर्थन करना हर एक देशभक्ति रखने वालों का काम है। निष्पक्ष स्वतंत्र शांतिपूर्ण के साथ साथ अधिक से अधिक भागीदारी हो और नैतिक मतदान गलत चीजों से प्रभावित हुए बिना संविधानिक मूल्यों के रक्षण और समर्थन के लिए होता। साथियों बातें बहुत है, समझदार के लिए सराइका के लिए तो दिन भर बोले आप तालियां भी बजाया आप चले गए बाहर गया, अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई लेकिन कर पाऊंगा करेगा? मैं जानना चाहूंगा कितनी ईमानदारी के साथ निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार है अपने देश के खातिर अपने प्रजातंत्र के खातिर और अपने अंतःकरण की संतुष्टि के लिए कौन कौन दिल से काम करने के लिए हाथ उठाए मैं देखना चाहता हूँ। हम सबको ताकत दें,
ये पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, अपनी सजा देश को मजबूत लाएंगे। केवल बातों में नहीं, बात भी काम के लिए होना चाहिए, निष्ठा काम के प्रति होना चाहिए, निष्ठा पवित्रता के प्रति होना चाहिए, निष्ठा वास्तविक उत्कर्ष के होना चाहिए। साथियों, सबसे प्रार्थना करता हूँ, पूरी आशा है हम सब लोग मिलकर अपने प्रजातंत्र को, देश को मजबूत बनाएंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।